हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं एग रोल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, बनाने की विधि को देखते हैं। एग रोल बनाने के लिए एक बाउल गेहूं के आटा लिए हैं। उसी कटोरे से आधा कटोरा मैदा डाल रहे हैं हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी नमक। अब हम डालेंगे एक चम्मच तेल। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और पानी की सहायता से, जब मिल जाए तो पानी की सहायता से इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। आप चाहे तो मैदा का भी बना सकते हैं, आटा का भी बना सकते हैं, बस पर हम यहाँ पे दोनों चीज़ डाले हैं ताकि बाहर वाला फीलिंग आए। आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डो बना लिए हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। कढ़ाई हीट हो गया है, अब हम उसमें थोड़ी सी ऑयल को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि सारे सब्जी को हम लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। चुकंदर है, टमाटर है, प्याज है, बंधा है। अब हम कढ़ाई में बंधे को डाल देंगे, फिर गाजर को डाल देंगे, फिर चुकंदर को भी डाल देंगे, फिर टमाटर को डाल देंगे, फिर प्याज को भी डाल देंगे। थोड़ी देर ही फ्राई करना है, जैसे सेलो फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है, ताकि खाते समय करकरा कचमचा लगे तो अच्छा लगे खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। अब हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी जीरा पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब हम डालेंगे किसान केचप। अब हम डाल देंगे इसमें तीखा लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, फिर चला लेंगे। सारे चीज़ों का फ्लेवर अच्छा से आ जाए इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब लगभग हो ही गया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक लास्ट में ही डालना है, नहीं तो सब्जी में पानी छोड़ देगी। अब चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा फ्राई करके चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर रेडी है। 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से एक दो बार हाथों से मसल लेंगे, ताकि जो सूखा सूखा हो वो नॉर्मल हो जाए। अब लोई काट लेंगे, ना छोटा ना बड़ा लोई काटना है, अपने हिसाब से काट लेना है, जैसा रोटी बनता है वैसा ही। रोटी को बेलकर तैयार कर लिए हैं। तवे हीट हो गया है, इसमें हम रोटी को डाल देंगे। अब रोटी को हम पलटा देंगे, देख सकते हैं थोड़ा हरा हरा ही है। अब चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देंगे और रोटी को पलटा देंगे। उसमें हम थोड़ी सी ऑयल को ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से घुमाते हुए इसे पका लेंगे, ताकि चारों तरफ ऑयल अच्छी तरीके से लग जाए। अब किसी एक बर्तन में रोटी को स्टोर कर लेंगे। उसी प्रोसेस से सारे बाकी रोटी को भी पका लेंगे। सारे रोटी बनकर तैयार है। चलिए अब हम अंडे को तोड़ लेते हैं। अब उसमें हम थोड़ी सी नमक को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से फेंट लगा लेंगे। तवे में ऑयल डाल दिए, इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें अंडे को, इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं अंडा का अच्छी तरीके से कॉर्नर निकल गया है। इसमें हम अब रोटी को डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे। रोटी अच्छे से सेट हो गया है, इसे हम पलट देंगे। अब हम
हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। किसान केचप अच्छी तरीके से फैला दिए हैं, अब इसमें हम सब्जी को डाल देंगे। फिर फ्राई किया हुआ भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक सिक्की की सहायता से इसे पैक कर देंगे। बनकर तैयार है, एग रोल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है देखने से। आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू।